पोर्नोग्राफिक फिल्म मामले में एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अब उसे 23 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई के किला कोर्ट ने पुलिस की मांग पर कुंद्रा को रिमांड में भेजे जाने का आदेश दिया। राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्में बनाने और उसे ऐप्स के जरिए रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 19 जुलाई देर रात लंबी पूछताछ के बाद कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि राज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम एच अकाउंट था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 5 मेंबर्स थे। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज कुंद्रा और उसके पार्टनर पोर्नोग्राफी की बिजनेस डील करते थे। हर दिन कितनी कमाई हुई, पोर्नोग्राफी में काम करने वाली एक्ट्रेस को कितने पैसे देने हैं, बिजनेस में कैसे कमाई हो रही है या घट रही है, ये सारी बातें इस ग्रुप में की जाती थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदीप बख्शी, राज कुंद्रा सहित बयान अकाउंट्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से जुड़े लोग शामिल थे। प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा का रिश्तेदार है। ये यूके में रहता है और हॉट शॉट्स नामक जो OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसमें यह कुंद्रा का पार्टनर भी है। मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने बताया है कि अब तक इस मामले में कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कुछ प्रोड्यूसर है जो जबरन ऐसी फिल्म करवाते हैं। उमेश कामत नाम शख्स को भी अरेस्ट किया गया है जो मुंबई का बिजनेसमैन है। ये फॉरेन में राज कुंद्रा का बिजनेस देखता था। अब तक की जांच में शिल्पा शेट्टी का इस मामले में कहीं कोई संबंध सामने नहीं आया है। इस मामले से जुड़ी हॉटशॉट्स नामक कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके कंटेंट रिलेटेड सारे ऑपरेशंस राज कुंद्रा के ऑफिस में किए जाते थे। एक्शन लेकर पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में भी सर्च किया था, जिसमें अग्रीमेंट के पेपर, अकाउंट की शीट, व्हाट्सएप चैट और पोर्नोग्राफी क्लिप भी बरामद हुई है। इसके अलावा 7.5 करोड़ रुपए मुंबई पुलिस ने सीज किए हैं। बता दें कि जून 2020 में एप्पल एप्लीकेशन ने अपने ऐप स्टोर से ये ऐप हटाया था, तो वही नवंबर 2020 में गूगल स्टोर ने इसे अपने ऐप स्टोर से निकाल दिया था। इन अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए कलाकारों को 8 से 10 हज़ार रुपये मात्र दिए जाते थे।